हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकीबग। विकीबग यूट्यूब के लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू क्रैक महाट्रांसको एई एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ टेलीकॉम सिविल इलेक्ट्रिकल। इस एग्जाम को, महाट्रांसको के एई पोस्ट को अगर तुम्हें क्रैक करना है तो उसे आप कैसे क्रैक करोगे, उसकी ट्रिक क्या होगी, उसे तुम्हें कैसे क्वालिफाई करना होगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी। इन एडिशन टू दैट, लास्ट महाट्रांसको या महाडिस्कॉम के एग्जाम जो हुए थे एई पोस्ट के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए, तो उसका कट ऑफ क्या हुआ था, देन आने वाले एग्जाम में टेंटेटिव कट ऑफ क्या होगा, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना हो तो सेक्शन वाइज प्रोफेशनल स्किल में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, मराठी में आपको क्वेश्चंस कितने लाने होंगे, रीजनिंग हो या एप्टीट्यूड हो उसमें आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये पूरी जानकारी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में दी थी। आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करना होगा, किस सब्जेक्ट को, किस सेक्शन को कितना वेटेज देना होगा, डेली आपका रूटीन क्या होना चाहिए, टेक्निकल के लिए कितना टाइम आपको देना है, नॉन टेक्निकल दैट इज एप्टीट्यूड रीजनिंग या मराठी के लिए आपको कितना टाइम देना है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको टेक्निकल में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सब्जेक्ट वाइज किन किन सब्जेक्ट को कितना कितना वेटेज दिया गया है IBPS ने, इसके अलावा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से बुक्स आपको रेफर करने चाहिए, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या टेलीकॉम हो, इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैक्सिमम प्रोफेशनल स्किल में या टेक्निकल में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं IBPS के द्वारा, ये क्वेश्चंस वन लाइन क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन है आंसर, मींस बहुत लंबे क्वेश्चंस यहाँ पे होते नहीं है, सिंपल एक वन लाइन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, लाइक गेट में जो एक मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसी तरह दो दो मार्क के जो गेट के जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर मैक्सिमम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे नहीं जाते हैं, मीन्स आपको सिंगल लाइन ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैक्सिमम प्रोफेशनल स्किल के लिए करना है। एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिसके चार मल्टीपल चॉइसेस होंगे, न्यूमेरिकल टाइप या पजल टाइप, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे नहीं जाते हैं प्रोफेशनल स्किल में, आपको सिंपली एक आंसर वहाँ पे चूज करना है एंड इस तरह से एग्जाम आपको कम्प्लीट करना है। महाट्रांसको हो, महाडिस्कॉम हो या महाजिनको हो, इनकी जो एग्जाम कंडक्ट करने की जो थर्ड पार्टी एजेंसी है वो है IBPS, एंड IBPS नेवर डिस्क्लोज हिज क्वेश्चन पेपर, IBPS उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं बाहर शेयर नहीं करती है, लाइक जो TCS हो, MKCL हो या दूसरे जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है उनके क्वेश्चन पेपर्स बाहर आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल सकते हैं, बट IBPS के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ऑनलाइन भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे एंड ऑफलाइन भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप टेलीग्राम या कोई अदर जो चैनल्स हैं या वेबसाइट्स हैं उस पे आपको एक दो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पेपर जो RTI में माहिती अधिकार में जो उन लोग को मिले हैं वही कुछ क्वेश्चन पेपर्स 2018 के हो या कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स ही ऑनलाइन शेयर किए गए हैं, मीन्स IBPS के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कोई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। That's why मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मीन्स एग्जाम होने के बाद, मेरी भी एग्जाम मैंने जो दी थी एग्जाम होने के बाद तुरंत ही एक पेपर पे लिख के किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे एंड कौन से पैटर्न के किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए हैं ये मैंने एक पेज पे लिखा है। इन एडिशन टू दैट, महाट्रांसको एई पोस्ट का जो इलेक्ट्रिकल का जो एक पेपर है जो RTI में किसी पर्सन ने निकाला है वो क्वेश्चन पेपर भी मैं इस वीडियो के अंत में आपको यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। IBPS ने जो एक एग्जाम कंडक्ट की थी जिसको मैंने अपीयर किया था, उस एग्जाम के तुरंत बाद मैंने नॉन टेक्निकल दैट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पे कुछ किस टाइप के क्वेश्चन एंड मराठी के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका थोड़ा सा डिस्कशन मैं अब ब्रीफ में करना चाहूंगा। अब आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो एक मैंने प्रिंट प्रिपेयर किया है जिसमें नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस के वैरायटीज आपके रेडी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब आपके स्क्रीन पे देख सकते हो IBPS की जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी उसमें एई पोस्ट के लिए जो भी टाइप के जो एप्टीट्यूड या रीजनिंग के ऊपर जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, नंबर वन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, मीन्स RS अग्रवाल की बुक में जो भी सीटिंग अरेंजमेंट जो है एक राउंड टेबल वहां पे दिया जाएगा उस पे एक रैंडमली कुछ भी नाम देके आपको वहां पे कुछ पर्सन 6 या 7 पर्सन वहां पे बैठे हैं इस तरह से आपको एक पैसेज वहां पे दिया जाएगा। पैसेज में एक 5 से 4 स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा जिनमें कहा जाएगा कि राइट में एक राइट में साइड में ये बैठा है, मीन्स उसके लेफ्ट में वो बैठा है, मीन्स ऐसी कुछ अरेंजमेंट आपको दी जाएगी। उस हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना है उस क्वेश्चन के आंसर। 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, मीन्स सिटिंग अरेंजमेंट आपको RS अग्रवाल बुक से प्रॉपरली करना है।
जिसके बेसिस पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। इन एडिशन टू दिस 4 क्वेश्चंस पाई चार्ट के ऊपर पूछे गए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सैंपल बताया था, बार चार्ट या पाई चार्ट आपको करना है। ये चार्ट देख के आपको कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। लास्ट एग्जाम में देख सकते हो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे गए थे। ये मैं खुद एग्जाम में अपीयर किया था, उसके एग्जाम के बाद मैंने एक पेज पे ये पूरे क्वेश्चन के वैरायटीज वहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद अरिथमेटिक कैलकुलेशन के ऊपर एक 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं, जिसके एक सैंपल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 0.012 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, इसका आंसर क्या होना चाहिए, या फिर 1718 मल्टीप्लाई बाय रूट 981 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या होना चाहिए। मींस ऐसे अरिथमेटिक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी कुछ वहाँ पे 4 से 5 पूछे जा सकते हैं। मैंने पूरे क्वेश्चंस मुझे याद नहीं रहे थे, उसमें से कुछ ही क्वेश्चंस के वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। देख सकते हो मराठी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे वैरायटीज यहाँ पे लिख रखे हैं। एक मराठी में एक पैराग्राफ दिया गया था, उसमें 5 क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे गए थे। मींस एक सैंपल एक पैसेज यहाँ पे दिया जाएगा, पैसेज के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इन एडिशन टू दैट विरुद्धार्थी शब्द मींस एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, समानार्थी या विरुद्धार्थी शब्द, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। मीन्स आपको समानार्थी शब्द एंड विरुद्धार्थी शब्द भी आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। इसके अलावा मराठी में एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, उसमें जो एरर है एरर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, या 2 भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इट में वैरी मीन्स एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें से जो गलत वर्ड है या कुछ एरर है तो आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं 1 सेकंड बता दूं, आपका मेरिट मैक्सिमम लाने में मराठी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मींस आउट ऑफ 20 आपके 13-14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपके करेक्ट आना बहुत जरूरी है, उस हिसाब से आपको मराठी की प्लानिंग करनी है। अब देख सकते हो वेन डायग्राम के कंक्लूजन के ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। वेन डायग्राम मींस अब आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम के अंडर पूछे जा सकते हैं। मैंने जो एग्जाम दी थी उसमें 2 से 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम के ऊपर आए थे। नेक्स्ट अब देख सकते हो कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए थे। अब देख सकते हो एग्जांपल ए स्टार परसेंटेज बी इक्वल टू मित्तल, देन उसको रीअरेंज करके स्टार डॉलर स्टार परसेंटेज वी इक्वल टू व्हाट। मींस ऐसे कुछ डिकोडिंग एंड कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। आप अगर आरएस अग्रवाल के बुक में ऐसे कुछ थोड़ा सा भी टाइम देके अगर आप देखोगे तो आपको इसके आंसर्स देने में बहुत आपको मींस ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप अगर थोड़ी प्रैक्टिस पहले ही इस टाइप के क्वेश्चंस के करके जाते हो तो आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं होगा। देन सीरीज के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टार ए प्लस 8 परसेंटेज प्लस डिवीजन का सिंबल है, देन 3 अल्फा, ऐसे कुछ सीरीज देके आपको पूछा गया है लेफ्ट से 7 से 8वां कौन है। मींस आपको इस सीरीज में आइडेंटिफाई करना है कौन कहाँ पे एग्जैक्ट स्टैंड किसका कहाँ पे है। इसके लिए भी आपको ये पूरे जो मैं यहाँ पे जो डिस्कशन जो कर रहा हूँ ये पूरे क्वेश्चंस आरएस अग्रवाल की बुक से है। मैक्सिमम क्वेश्चन आईबीपीएस में इसी बुक से आते हैं नॉन टेक्निकल के लिए। अब देख सकते हो यहाँ पे इंटरचेंजिंग ऑफ अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स भी आपको करके जाना है। मीन्स अल्फाबेट्स एक्सचेंज करने के बाद जो नया जो अल्फाबेटिकल सीरीज आता है उसको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। मीन्स ऐसे भी क्वेश्चन आपको करके जाना है। यहाँ पे लिखा नहीं है बट एक जो है ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आईबीपीएस में पूछा जाता है। एक फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम की और फिंगर करके कोई तो कुछ एक स्टेटमेंट करता है तो बाजू वाले को उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों में क्या रिलेशन है। या फिर ब्लड रिलेशन के लिए आपको 1-2-3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको कंक्लूड करना है कि उन 2 पर्सन में क्या रिलेशनशिप है। ऐसे 2 वैरायटी के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आईबीपीएस में पूछे जाते हैं। मींस ब्लड रिलेशन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आईबीपीएस में कंपलसरी पूछे जाते हैं। आई होप ये सब जो मैं पैटर्न जो वैरायटीज यहां पे डिस्कस कर रहा हूं वो आपको बेनिफिशियल होंगे आने वाले एग्जाम में। लेट्स सी नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस एग्जाम। एज यू नो 70% वेटेज जो है टेक्निकल नॉलेज के टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर है। प्रोफेशनल स्किल आपकी जो इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या टेलीकॉम हो, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है 70% की जो मार्क वेटेज है आपके ब्रांच से रिलेटेड है। आपने आपके इंजीनियरिंग में जो भी कुछ पढ़ा है उसके ऊपर आउट ऑफ 150 मार्क्स 110 मार्क पूरे आपके प्रोफेशनल स्किल दैट इज टेक्निकल स्किल के ऊपर आपको पूछे जाने वाले हैं। मींस मैक्सिमम वेटेज जो है आपके प्रोफेशनल स्किल मींस टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर ही है। आपकी ब्रांच सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या टेलीकॉम हो, आईबीपीएस इसके क्वेश्चन पेपर डिस्क्लोज ना करने की वजह से लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी उसमें जो भी क्वेश्चंस टेक्निकल नॉलेज के ऊपर जो पूछे गए थे मैं आपको पहले यहाँ पे शेयर करूंगा, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच वेटेज के अनुसार इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, देन किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चंस हम ब्रीफ में देखेंगे। स्टार्ट
विद सिविल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग लास्ट एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, देन कौन से सब्जेक्ट्स सिविल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पे अप्रोक्सीमेट कितना वेटेज है, उसे हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे. मींस आपको पूरा सिलेबस न करते हुए कौन से सब्जेक्ट्स एंड कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसका आपको एग्जाम के लिए फायदा होगा. अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल में प्रोफेशनल स्किल में अगर मैक्सिमम स्कोर अगर करना है, तो मैं जरूर कहूंगा कि आपको एक बुक से प्रिपरेशन नहीं करनी है. आपको मल्टीपल चॉइस के दो से तीन वैरायटी के बुक्स आपको करना है, जिनमें आप बेस्ट चांस पब्लिकेशन की जो खुर्मी की जो बुक है आरएस खुर्मी एंड जेके गुप्ता, के अलावा सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव्स गुप्ता एंड गुप्ता नाम की बुक भी मार्केट में अवेलेबल है. मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव आरएस खुर्मी एंड गुप्ता होने की वजह से मैंने वो प्रिफर की थी. आपको ये इन दोनों में से एक बुक करनी है, जिसमें डिप्लोमा लेवल के मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रॉपर अरेंजमेंट दी गई है. मैं जरूर कहूंगा कि आईबीपीएस जो एई की जो एग्जाम है, उनमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बहुत हार्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे नहीं जाते हैं. मीन्स डिप्लोमा लेवल की बुक भी अगर आप करते हो तो आपको एई पोस्ट के लिए सफिशियंट है, बट आपको एक ही बुक नहीं करनी है. आपको वेस्टर्न पब्लिकेशन के अलावा आपको गेट के जो एस अकेडमी के जो बुकलेट्स हैं या मेडिसी के जो बुकलेट्स हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन ओरिएंटेड जो क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, उस वैरायटी के क्वेश्चन आपको एस एकेडमी के जो बुकलेट्स हैं वहां से एंड मेडिसिन के जो बुकलेट्स हैं वहां से आपको करना जरूरी है. मेरे पास एस एकेडमी के भी जो ओल्ड जो बुकलेट्स हैं वो अवेलेबल हैं. इन एडिशन टू दिस, मेडिसिन के जो सॉल्व जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं, सिंगल क्वेश्चन ओरिएंटेड, सिंगल लाइन क्वेश्चन ओरिएंटेड, वो पूरे क्वेश्चन जो एक एक मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन, एंड ये जो डिप्लोमा लेवल पे जो बुक है, ये मैंने तीन बुक्स यहाँ पे रेफर करके दो बार ये एग्जाम क्रैक किए. इन एडिशन टू दिस, आपके पास अगर रेफरेंस बुक है तो अगर आप रेफरेंस बुक अगर लेते हो तो रेफरेंस बुक के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को आप अगर ओवरलुक करते हो, आपको और आपका यहाँ पे मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं. जिनका बेसिक या जिनके कंसेप्ट पूरे मैक्सिमम क्लियर हैं, वो बहुत जल्दी ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. तो सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल क्वेश्चंस में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अगर मार्क लाने हैं, तो आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज आने वाले एग्जाम में क्या होगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. सब्जेक्ट वाइज ये जो वेटेज जो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ वो ऑफिशियल तो नहीं है, बट मैंने इसके दो एग्जाम देने की वजह से मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि कौन से सब्जेक्ट पे अप्रोक्सीमेट कितने कितने क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं. फर्स्टली आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, सर्वेइंग है. सर्वेइंग के ऊपर अप्रोक्सीमेट 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. मैकेनिक्स प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे 7 क्वेश्चंस. स्टील मीन्स डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर 6 क्वेश्चंस. इसमें मैक्सिमम आईएस कोड्स के नंबर्स, स्लेंडरनेस रेशियो के वैल्यू, देन कॉलम एंड पोजीशन के हिसाब से उसके वैल्यूज क्या होने चाहिए, देन ट्रस चैप्टर हो या बोल्टेड कनेक्शन हो या कॉम्प्रेशन एंड टेंशन मेंबर के जो सिमिलर वर्ड्स हैं लाइक स्ट्रट, जॉइस्ट, बूम, स्टेंशन, स्पैंड्रेल, ऐसे जो टेक्निकल जो क्वेश्चंस है वो आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में करके जाना है. आट्रांस को एई सिविल के लिए स्टील डिजाइन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है. मैं जरूर कहूंगा इसके लिए आपको एस अकेडमी का बुकलेट प्लस वेस्टर्न पब्लिकेशन की बुक दोनों भी आपको करने हैं. दोनों में चेक करना है कि स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड ऑनलाइन आप ट्रांसमिशन टावर से रिलेटेड पूरे आईएस कोड आपको सर्च करके निकालना है. देन आरसीसी हो, टॉस हो एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो, इनको एडिशन करके अप्रोक्सीमेट 7 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में. गाइस मैं एक बात क्लियर कर दूं, इट मे वैरी, आपको एक या दो क्वेश्चंस या तीन क्वेश्चन मैक्सिमम के इसमें वेरिएशन आ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस ही इसका वेटेज होने वाला है. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको करना है, अप्रोक्सीमेट 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे. जो टेक्निकल इंजीनियरिंग दैट इज सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर भी 5, 4 या 6 क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जा सकते हैं. हाइड्रोलिक्स भी आईबीपीएस ने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखा है, उसपे 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पे ज्यादा क्वेश्चन न पूछते हुए 1 या 2 क्वेश्चन भी उस पर पूछे जा सकते हैं. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या बिल्डिंग मटेरियल पे भी नेग्लिजिबल वेटेज यहाँ पे दिया गया है. इरिगेशन इंजीनियरिंग पे भी 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं. इस हिसाब से आपको पूरे 50 क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है. और एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आप हाईवे इंजीनियरिंग, टनलिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, तो इस पे क्वेश्चन मैक्सिमम आईबीपीएस में पूछे नहीं जाते हैं, ये आपको स्किप करना है. अगर आपके पास बहुत टाइम अवेलेबल है तो ही आपको बस जस्ट इसको ओवरलुक करना है. इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन मिस क्वेश्चन ही पूछे नहीं जाते हैं. हाइड्रोलिक मशीन लाइक टर्बाइन, पंप्स, इसके ऊपर भी आप ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें. आपके पास टाइम अवेलेबल है तो जस्ट हाइड्रोलिक मशीन को ओवरलुक करना है, टर्बाइन को ओवरलुक करना है, टर्बाइन एंड पंप्स को. इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते. आप देख सकते हो जो भी मैंने एग्जाम लास्ट टाइम दी थी,
IBPS महाट्रांसको महाडिस्कॉम की, उसमें जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे मेमोरी बेस्ड, जो मैंने एग्जाम देने के तुरंत बाद जो मैंने याद करके एक पेज पे जो लिख के रखा था उस क्वेश्चन के, आप देख सकते हो डॉस स्टील मैकेनिक्स, आप देख सकते हो ये जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मींस डॉस हो, स्टील हो, मैकेनिक्स हो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो, जियो टेक्निकल इंजीनियर या फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो, सर्वे हो, इन्वायरमेंटल हो या हाइड्रोलिक्स हो, इन सब्जेक्ट पे कुछ क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। अगर इसमें डिटेल में देखो तो आप स्टील में आप देख सकते हो कि ट्रांसमिशन टावर का IS कोड क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। मैं जरूर कहूंगा आप महाट्रांसको की एग्जाम अगर दे रहे हो तो कंपलसरी आपको IS कोड करने हैं ट्रांसमिशन टावर से रिलेटेड। नेट पे आप सर्च करो जो भी ट्रांसमिशन टावर के जो IS कोड, आपको IS 456 2000 हो या स्टील का 800 या IS 875 लोड्स के रिलेटेड हो, ऐसे IS कोड करने हैं ट्रांसमिशन टावर से रिलेटेड जो IS कोड हैं, उस IS कोड को आपको एक बार रीड करके जाना है। उसके ऊपर मेरे हिसाब से दो क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए थे IS कोड ऑन द ट्रांसमिशन टावर, उसका इरेक्शन वगैरह जो होता है, फाउंडेशन जो है उसके IS कोड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए थे। IS कोड ऑफ स्टील, अर्थक्वेक, फायर रेजिस्टेंस, इस टाइप के IS कोड वहां पे पूछे गए थे जो एग्जाम मैंने लास्ट टाइम दी थी उसमें। डायमीटर ऑफ बोल्ट फॉर ट्रांसमिशन टावर, आप देख सकते हो ट्रांसमिशन टावर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया गया है यहाँ पे डायमीटर ऑफ बोल्ट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। देन स्पेसिंग ऑफ ट्रस इन GI शीट 1/6 या 1/12 जो होता है वो, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। जॉइस्ट बीम जिसकी डेफिनेशन, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे कुछ 5 से 6 क्वेश्चन स्टील डिजाइन के ऊपर पूछे गए थे। अब देख सकते हो सर्विंग के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, स्विंगिंग क्या होता है। देन इंजीनियर्स चेन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। देन नंबर ऑफ लिंक्स इंजीनियर्स चेन, उसके बाद नंबर ऑफ लिंक्स इन चेन कितने होते हैं, 30-20, वो भी यहाँ पे, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन यहाँ पे सर्विंग में पूछा गया था। कंबाइंड सीवर किसे कहा जाता है। देन डीक्लोरिनेशन के लिए कौन सा केमिकल वहां पे यूज किया जाता है। एक शेप्ड सीवर क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे एनवायरमेंटल में पूछे गए थे। देन सॉम हो या टॉस हो, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला फॉर ट्रायंगल एट CG, ट्रायंगल का अपेक्स हो या CG हो या बेस के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। IBPS में मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस नहीं है, बट आपको इस तरह के टॉपिक्स की प्रिपरेशन करने जिसका आपको बहुत सा फायदा आने वाले एग्जाम में होने वाला है। अब देख सकते हो बीम दिया गया है, डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला है सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें एक पॉइंट लोड दिया गया है, उसका फार्मूला क्या होना चाहिए, वो डिफ्लेक्शन का फार्मूला आपको पूछा गया है। ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉम एंड टॉस में पूछे गए थे। अगर आप डॉस RCC अगर करते हो तो आपको पूछा गया है एक क्वेश्चन, स्पेसिंग ऑफ मेन बार इन स्लैब, स्लैब में मेन बार हो या डिस्ट्रीब्यूशन बार हो उसकी स्पेसिंग मिनिमम क्या आप स्पेसिंग लेते हो। एग्जाम्पल आपको पता है 3D हो या 300 हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। हाइड्रोलिक्स में रेनॉल्ड्स नंबर्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 What type of flow it will be? ऐसा एक क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरह के एग्रीगेट की वर्कएबिलिटी ये अच्छी तरह की है, मीन्स गुड वर्कएबिलिटी किसकी है। आपको सभी को पता है गुड राउंडेड एग्रीगेट अगर है तो उसकी वर्कएबिलिटी अच्छी आएगी। कुछ क्वेश्चंस ILD मीन्स टॉस 3 में के जो कुछ ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है उसमें भी एक क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। मैकेनिक्स में कॉन्करेंट किसे कहते हैं, नॉन कॉन्करेंट किसे कहते हैं, देन कपल किसे कहा जाता है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। मैकेनिक्स में अगर मशीन आइडियल है तो उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। मैं जरूर कहूंगा अगर आप टेक्निकल में अच्छे मार्क लाना चाहते हो तो कॉलम की जो इन कंडीशन है, फिक्स्ड है, हिंज्ड है या फ्री है, इसके भी जो 3-4 जो कंडीशंस है वो करके जाना है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन स्लेंडरनेस रेशियो 250 है या 350 है, अर्थक्वेक है, वो भी टेबल आपको करके जाना है, जिसका यूज करके आपको स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू डिसाइड करने आएगी, उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपको प्लानिंग, आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना है, तो अगर आप सर्वेइंग सब्जेक्ट अगर शुरू करते हो तो सर्वेइंग आपको जस्ट 1 टाइम रेफरेंस बुक या टेकमैक्स जो भी आपके पास बुक है उसको 1 टाइम आपको एक ओवर लुक, एक आपको एक बार पूरे वो बुक देख के पूरे जस्ट एक लुकआउट करना है कि क्या क्या हमने सर्वेइंग में स्टडी किया है। इसके बाद आपको डिप्लोमा लेवल की जो ऑब्जेक्टिव की जो बुक है वो आपको सामने रखना है, देन गेट के जो बुकलेट है उसी सब्जेक्ट के आपको सामने रखना है, एंड मेडिजी का जो बुकलेट आपके पास अवेलेबल है वो आपके सामने रखना है। मीन्स आपको रीडिंग रूम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके टेबल पे आपको जो भी आप सब्जेक्ट शुरू करते हो तो उसके सब्जेक्ट के तीनों बुक्स आपके सामने होने बहुत जरूरी है। देन आपको स्टार्ट करना है ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन एक बार रीड करना है, देन
उसी टॉपिक के ऊपर मेडिसिन में एंड इस बुकलेट में किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं, आपको टैली करना है। तीनों भी बुक्स में उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस वैरायटी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पूरा एक दिन उस सब्जेक्ट के ऊपर देना है। ये सब करने के बाद अगर आपको कुछ याद नहीं रह रहा है तो इसके जो कीवर्ड्स हैं एक ब्लैंक पेज पे या एक नोटबुक पे आप कीवर्ड्स ओनली लिखें। इससे होगा क्या कि हर बुक में उस टॉपिक पे किस किस क्वेश्चन को पूछा गया है या आपको क्लियर होगा, एंड आप तीन बुक करने की वजह से कोई क्वेश्चन मिस रहने के चांसेस वहाँ पे बहुत ही कम रहते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस है। मींस आपके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मैंने इस तरह से ही प्रिपरेशन की थी। एंड एक चीज आपको याद रखना है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही करना है, फ्रेश कोई सब्जेक्ट आपको करना नहीं है। मीन्स एग्जाम से 5 या 6 दिन पहले आपके पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने बहुत जरूरी है। एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले या 6 दिन पहले आपको सिर्फ और सिर्फ करना है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके मन में अगर 1% भी लग रहा है कि आपका इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होंगे तो मैं जरूर कहूंगा कि आप ये एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट ना करें। आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक ही वैकेंसी, एक ही जगह, एक ही सीट चाहिए, एंड देन स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ महाट्रांसको असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और टेलीकॉम। अगर आप थोड़ी ही प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो आपकी 1 सीट, 1 सीट कंफर्म असिस्टेंट इंजीनियर की मेरिट के हिसाब से आपको मिल जाएगी। विकीबग यूट्यूब पे महाट्रांसको पे जो मैंने 2-3 वीडियो जो अब तक बनाए हैं, अगर आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं तो विकीबग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके कोई फ्रेंड्स सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे भी शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन रेज कर सकते हो।